दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ, गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण है। लीजिए लिवोजन टॉनिक, इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। एक टाइम था जब बिना तार वाली एयरफोन बहुत अनोखी चीज लगा करती थी, मगर आज आप 800 रुपए में भी अच्छे खासे ट्रूली वायरलेस स्टीरियो या TWS ईयरबड्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने निकलेंगे तो इतने सारे ब्रांड और इतने सारे मॉडल दिखेंगे कि चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा। हम आज आपको बताएंगे कि TWS ईयरफोन खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, साथ ही कुछ पैसे भी बचा लेंगे। डिजाइन, बिना तार वाले ईयरबड और ईयरफोन में सबसे जरूरी चीज डिजाइन है। क्यों? क्योंकि आप इनका इस्तेमाल दिन में 4-5 घंटे तो करेंगे ही, अगर डिजाइन सही नहीं होगा तो आपको इसे यूज करने में दिक्कत होगी। इस मामले में आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। पहले डंडी पर फिट प्लास्टिक बॉडी वाले ईयरफोन हैं, जैसे Realme Buds Air Neo, Apple AirPods और Mi True वायरलेस ईयरफोन। दूसरे ठीक इसी शेप वाले हैं, मगर बेहतर फिटिंग के लिए आगे रबर टिप लगी होती है, जैसे Realme Buds Air Pro, Apple AirPods Pro और Oppo Enco X। तीसरी वो जिनमें डंडी नहीं होती, बस बटन जैसे दिखते हैं, इनमें आगे की तरफ रबर टिप होती है, ऐसा ना हो तो ये कान से गिर जाते हैं। इस कैटेगरी में Realme Buds Q, Redmi Earbuds S और Samsung Galaxy Buds Pro जैसे ईयरफोन्स आते हैं। डिज़ाइन और फिटिंग चुन लें तो देखें कि ईयरफोन हल्के हैं या नहीं। ये हल्के नहीं होंगे तो आप ज़्यादा देर तक इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैटरी और चार्जिंग, बैटरी के नज़रिए से देखें तो अलग अलग कीमत के मौजूदा वायरलेस ईयरफोन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ईयरबड्स में कम अज़ कम 3 घंटे का बैकअप तो होना ही चाहिए। रही बात चार्जिंग केस की, तो ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद ईयरबड्स को अगर 3 बार भी चार्ज कर देता है तो काम चल जाएगा। अच्छा बैटरी बैकअप वो है जिसमें आपके ईयरबड्स 4 घंटे चलें और चार्जिंग केस की मदद से 24 घंटे काम कर सके। मतलब चार्जिंग केस आपकी ईयरफोन को 5 बार तक चार्ज कर सके। लेकिन देखने की बात यह है कि इतनी बैटरी आपको अभी 2500 रुपए से ऊपर के ईयरफोन्स में ही मिलेगी। अगर आपका बजट 1500 रुपए के आसपास है तब आपको 3 घंटे ईयरबड्स का बैटरी बैकअप और केस को मिलाकर 10-12 घंटे का बैकअप देखकर डिवाइस लेना चाहिए। रही बात चार्जिंग की, तो ईयरफोन का केस चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। बस ये देख लीजिए कि चार्जिंग पोर्ट USB टाइप सी हो। आपके फ़ोन का और आपके ईयरफोन का चार्जिंग पोर्ट एक जैसा होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसे चार्ज करने के लिए अलग से केबल नहीं रखनी पड़ती। कनेक्टिविटी, बिना तार वाली ईयरफोन में सबसे बढ़िया बात यही है कि चार्जिंग केस खोलते ही ये झट से आपके फ़ोन में कनेक्ट हो जाते हैं। इस कनेक्शन की रेंज इतनी तो होनी ही चाहिए कि आप एक कमरे में फ़ोन रखकर दूसरे कमरे में टहल टहल कर बात कर सकें। आप चाहे जितना सस्ता ईयरफोन खरीदें उसमें ब्लूटूथ 5 कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। जेस्चर और वॉइस असिस्टेंट, ईयरफोन में जेस्चर कंट्रोल ज़रूर चेक करिए। इनकी वजह से आपको बार बार फ़ोन जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉल उठाने, कॉल काटने, अगला गाना बजाने, गाना रोकने या दूसरे ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए आपको ईयरफोन पर टच करना होता है, इसे ही जेस्चर कंट्रोल कहते हैं। इसके अलावा आप ईयरबड्स खरीदते वक्त ये भी देखिए कि आपकी पसंद के ईयरफोन में गूगल असिस्टेंट या सीरी का सपोर्ट है या नहीं। ये होने पर आप बिना फ़ोन को छुए ईयरफोन की मदद से ही बहुत से काम कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी, ईयरफोन की साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए आप इसमें इस्तेमाल होने वाले ड्राइवर का साइज देखिए, और ये भी कि ईयरफोन कौन कौन से ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। अगर ड्राइवर का साइज 10 mm या इससे ज़्यादा है तब तो बल्ले बल्ले, अगर 6 mm का भी ड्राइवर है तो काम चलाया जा सकता है। मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो 1500 से 2000 रुपए की रेंज में भी 10 mm ड्राइवर वाले ईयरफोन आ रहे हैं। सस्ते वाले ईयरफोन में SBC कोडेक का सपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप 4000 रुपए के आसपास पैसे खर्च कर रहे हैं तब ईयरफोन में बढ़िया वाले कोडेक का सपोर्ट ज़रूरी है। इनमें शामिल हैं AAC, LDAC, LHDC वगैरह वगैरह। कॉलिंग, ईयरफोन अगर कॉल पर सही से बात ही ना करा पाए तो फ़ायदा ही क्या। कॉल क्वालिटी के बारे में जानने के लिए आप अपनी पसंद के ईयरफोन का रिव्यू ढूंढकर पढ़ सकते हैं, या फिर ये देखिए कि इसमें माइक कितने हैं। सिंगल माइक वाले TWS ईयरबड्स आमतौर पर सही से बात नहीं करवा पाते। अगर आपके एक एक ईयरबड में 2-2 माइक हैं तब आपको कॉल क्वालिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन से फ़ीचर देखने चाहिए, ये तो हो गए बिना तार वाली ईयरफोन के बेसिक फ़ीचर और स्पेक्स। इतनी चीज़ें तो आपको हर डिवाइस में देखनी ही चाहिए, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा।
कुछ ऐसे भी फीचर हैं जो आपके TWS ईयरफोन की खूबी में चार चांद लगा देते हैं। हम इनके बारे में भी बताएंगे ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी के वक्त चेक कर सकें। IP रेटिंग, ईयरफोन के आपके कान में लगे लगे पसीने का भी सामना करना पड़ता है, खास तौर पर तब जब आप इन्हें पहनकर एक्सरसाइज कर रहे हों। IP रेटिंग बताती है कि आपका ईयरफोन पसीने या पानी के छींटों से खराब नहीं होगा। ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये फीचर बाहर से आने वाली आवाज़ों को कान में गूंजने नहीं देता। इससे आप गाने सुनते हैं तो उनमें अलग ही क्वालिटी लगती है, कॉल पर बात करते हैं तो क्लैरिटी और भी अच्छी होती है। ये फीचर महंगे ईयरफोन में देखने को मिलता है, मगर हाल ही में ये 3,299 रुपए के TWS ईयरबड्स में भी आ गया है। लेटेंसी, कई TWS ईयरफोन में लेटेंसी की दिक्कत होती है, मतलब कि स्क्रीन पर चलने वाला वीडियो आगे जा रहा है और आपको उसकी आवाज़ काफ़ी देर में सुनाई पड़ रही है। गेम खेलने वालों को तो अच्छे खासी ईयरफोन में भी लेटेंसी की शिकायत रहती है। ईयरफोन के स्पेक्स में अगर लो लेटेंसी की बात हो रही है तो ये अच्छा है, लेटेंसी जितना कम होगी ईयरफोन उतना अच्छा होगा। वियर डिटेक्शन, कुछ ईयरफोन्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं, ये खुद ही पहचान लेता है कि आपने ईयरफोन कान में लगा रखा है या बाहर निकाल दिया है। इसके हिसाब से गाने या वीडियो को प्ले और पॉज करता है, जैसे ही आप इन्हें कान से निकालते हैं गाना रुक जाता है, वापस कान में लगाते ही फिर वहीं से गाना बजने लगता है। रियलमी, शाओमी, OnePlus, ओप्पो और Apple जैसी नामी कंपनियों के ईयरफोन्स के बारे में तो सभी को पता रहता है, मगर कुछ दूसरे ब्रांड भी हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद भी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते हैं और अच्छे खासे फीचर से लैस हैं, बस इनका चुनाव करने के लिए आपके पास TWS ईयरबड्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो शायद आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।